हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन की किसी भी स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी टेट की बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जिस प्रैक्टिस को लगा करके आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बस डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आज से आई हूँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट ए है, अभ्यास वन है। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट ए बी सी डी करके आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें से प्रत्येक सेट में कम से कम 10 से 12 अभ्यास होंगे और पूरा सेट मिलाकर के 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन होंगे। तो आज से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, चाहे यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी एलटी ग्रेड, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी, चाहे एमपी टेट, सभी के लिए आपके लिए गोल्डन क्वेश्चंस लेकर के मैं आई हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट। दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए और बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी आपको हेल्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस को। क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 लंदन ओलंपिक में उस खेल का नाम बताइए जिसके फाइनल में आमने सामने एक ही देश की टीम थी। तो वह खेल है बीच वॉलीबॉल। कौन खेल है? बीच वॉलीबॉल। दोस्तों, 2012 लंदन ओलंपिक जो है उसमें भारत ने कितना मेडल जीता था, यह भी पूछा जा सकता है। तो 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत 6 पदक जीता था, जिसमें से 2 रजत और 4 कांस्य पदक था, जिसमें से 2 कुश्ती में पदक जीता था, जिसमें से सुशील कुमार रजत पदक जीते थे 66 kg फ्री स्टाइल में और योगेश्वर दत्त कांस्य पदक जीते थे 60 kg फ्री स्टाइल में कुश्ती में, और निशानेबाजी में 2 पदक आया था। 1 पदक था, प्रथम पदक विजय कुमार रजत पदक प्राप्त किए थे 25 मीटर फ्री स्टाइल में, एंड दूसरा गगन नारंग जो थे कांस्य पदक प्राप्त किए थे 10 मीटर एयर राइफल में। एंड दोस्तों, जयदीप कर्माकर जो है यह 50 मीटर एयर राइफल से 1 अंक से कांस्य पदक से चूक गए थे। यानी कि इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि पूछ सकता है कि जयदीप कर्माकर किस खेल से रिलेटेड हैं, तो निशानेबाजी से। एंड 2 पदक आप, 1 पदक बैडमिंटन पे आया था, साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था, और मुक्केबाजी में 1 पदक यानी कांस्य पदक आया था, जिसमें मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। तो 6 पदक आपके लंदन ओलंपिक में जीते थे। और 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने 2 पदक जीता था, उस 2 पदक में 1 पदक था आपका रजत पदक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में प्राप्त किया था, जो पहली महिला रजत पदक पाने वाली भारत की महिला बनी, और दूसरा पदक था साक्षी मलिक जो फ्री स्टाइल कुश्ती में 58 kg में कांस्य पदक जीता था और फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी भारत की तरफ से। एंड दोस्तों, 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी थी वर्ल्ड स्पर्धा में। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इस आपको बता रही हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो माइकल फेल्प्स हैं, उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक मिला करके कुल 28 मेडल तैराकी में, स्विमिंग में प्राप्त किए, सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करने वाले, और इसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रांज मेडल जीते थे, जिसमें से माइकल फेल्प्स ने 2004 में 8 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण 2 कांस्य, और 2008 में माइकल फेल्प्स ने 8 पदक 8 स्वर्ण पदक था, ठीक है। एंड चौथा जो 2012 ओलंपिक था, इसमें 6 पदक जीता था इन्होंने, 4 स्वर्ण 2 रजत, और 2016 रियो में 6 पदक, जिसमें से 5 स्वर्ण 1 रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था। दोस्तों, 2020 जो टोक्यो ओलंपिक आपका है, उससे भी क्वेश्चन 100% टोक्यो ओलंपिक, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से ही क्वेश्चन जाके पूछे जाएगा 2020 की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मोटो था आपका, जो मोटो था वो था शुभंकर। 2020 का जो मस्कट था, मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है, और जो मस्कट था आपका वो था मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। इसमें दोस्तों 7 पदक भारत ने जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा जीते थे भाला फेंक में, और 2 रजत में मीराबाई चानू रजत पदक भारोत्तोलन में,
एंड रोहित कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक और चार कांस्य पदक में लवलीना बोरगोहेन, बॉक्सिंग में पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती और बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक। इस प्रकार 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 कांस्य। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन को पूछा जाए उसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो जाएगी, आप कहीं अटके ना। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो रंगास्वामी कप है वो है हॉकी से रिलेटेड। अब इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से तो है, लेकिन किससे, महिला से है कि पुरुष से है? तो ये पुरुष के लिए है रंगास्वामी कप हॉकी में। और हॉकी में महिला के लिए कौन है? लेडी रतन टाटा। किससे रिलेटेड है? महिला से। इसके अलावा हॉकी में और जो कप एंड ट्रॉफी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें से है बेटन कप, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटन कप, बार बार पूछा जाता है, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, लाल बहादुर शास्त्री कप। यहाँ पे ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री कप आएगा तो हॉकी में लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी आएगा तो फुटबॉल में आपका हो जाएगा। तो और है बेलिंगटन कप, अजलन शाह कप, आल्पस कप, आगा खां कप, गुरुगप्पा गोल्ड कप, गुरु नानक कप, कलप्पा ट्रॉफी आदि आपके हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कप और ट्रॉफी से रिलेटेड सभी वीडियोज मैंने बनाया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कबड्डी की कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? तो वह है आपकी संजीवनी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? तो संजीवनी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से पहला भारतीय कौन है जिसने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो दोस्तों पहला भारतीय खिलाड़ी है जिसने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है टेनिस की, वो है महेश भूपति जी। कौन है? महेश भूपति जी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैंने टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में वीडियो बनाया हुआ है और 2022 में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम कौन कौन खिलाड़ी जीते हैं इस पर भी वीडियो बनाया गया है करंट अफेयर्स के में। तो तब सबसे पहले जानिए कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता क्या है। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है टेनिस के एक साल में चार बड़े टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। और एक वर्ष में चारों टूर्नामेंट को जीतने वाला खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। और यह ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में स्टार्ट हुआ, फ्रेंच ओपन है 1891 में स्टार्ट हुआ, विंबलडन ओपन है 1877 में स्टार्ट हुआ, यूएस ओपन जो है 1881 में स्टार्ट हुआ। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है, तो विंबलडन ओपन इंग्लैंड में जो खेला जाता है 1877 में हुआ, और सबसे पुराना कौन है? विंबलडन ओपन। और टेनिस के ग्रैंड स्लैम में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम कौन है, तो यह भी पूछा जाता है, तो वह है विंबलडन ओपन 1877 से स्टार्ट हुआ। एंड ये पूछा जाता है कि ये किस किस माह में आरंभ किया जाता है, तो वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है सीक्वेंस भाई, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य माह में, फिर फ्रेंच ओपन मई जून में, फिर विंबलडन ओपन जून जुलाई में, फिर यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जो फ्रेंच ओपन है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जो विंबलडन ओपन है वह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 2022 में विजेता खिलाड़ियों को, ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ियों को नाम पूछ सकता है, तो पुरुष एकल और महिला एकल दोनों के लिए पूछ सकता है 2022 ग्रैंड स्लैम में। तो पुरुष एकल के लिए आपका ट्रिक है, पुरुष एकल के लिए ट्रिक है आर आर एन सी। क्या ट्रिक है? आर आर एन सी। आर आर से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, दोनों के विजेता राफेल नडाल है।
एल से हो गया विंबलडन ओपन के विजेता है नोवाक जोकोविक, सी से हो गया यूएस ओपन के विजेता है कार्लोस अल्कारेज। और महिला ओपन के लिए ट्रिक है ए ई, यानी ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन एस्ले बार्टी, ई से हो गया फ्रेंच ओपन एक्स स्विमेटिक, और फिर ए से हो गया आपका विंबलडन ओपन एलिना रिबाकिना, और फिर लास्ट ई से हुआ यूएस ओपन इगा स्विगातिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में प्रारंभ हुआ था। अब क्वेश्चन आपसे पहला पूछ सकता है और जो लास्ट वाला। तो अब वर्तमान में जो है 22वां पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां आयोजित हुआ था? दोस्तों दोहा कतर में। कहां आयोजित हुआ था? दोहा कतर में। इसका विजेता हुआ था अर्जेंटीना, ठीक है, उपविजेता फ्रांस। और अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2023 में कहां खेला जाएगा? तो दोस्तों 2023 में फीफा वर्ल्ड कप जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, तीन देशों में खेला जाएगा। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में खेला जाएगा। 22वां पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है। अब प्रथम फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो ये सभी बातें आपको क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट, उस जर्मन देश के खेल का नाम बताइए जिस पर बास्केटबॉल आधारित है। बास्केटबॉल खेल आधारित है, कौन सा वो जर्मन खेल है? तो कॉर्फबॉल, ठीक है, कॉर्फबॉल पर ही बास्केटबॉल खेल आधारित है। कॉर्फबॉल कहां का खेल है? तो जर्मन का। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह किस सन में शुरुआत किया गया? तो 1975 में। नेक्स्ट है, भारत में ओलंपिक भवन बनाने की योजना किस शहर में है? तो यह है चेन्नई में। नेक्स्ट है, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहां है? तो यह है अमेरिका में। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, कर्णम मलेश्वरी भारतीय महिला भारोत्तोलक, भारत के लिए महिलाओं में प्रथम ओलंपिक पदक लाने वाली खिलाड़ी किस राज्य से रहने वाली है? तो यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था भारोत्तोलन में, भारत की तरफ से पहली महिला पदक विजेता बनी ओलंपिक में। नेक्स्ट है, क्रिकेट का कौन सा मैदान सबसे ऊंचाई पर स्थित है? वह चैल इंडिया का। कौन है? चैल इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड गेज के संबंध में क्या विषम है? तो दोस्तों विंड गेज क्या करता है? विंड गेज जो है यह हवा की वेग मापता है, और एक होता है विंड वांड गेज जो हवा की दिशा को मापता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो विंड गेज क्या मापता है? हवा की वेग को। और इसमें क्या पूछा है कि विंड गेज के संबंध में क्या विषम है? तो इसमें विषम है दोस्तों 400 मीटर दौड़। क्यों विषम है आपको मैं बताती हूँ, पिछले वीडियो में कई बार बता भी चुकी हूँ कि जो हवा का वेग है 100-200 मीटर दौड़ और 100 मीटर 110 मीटर बाधा दौड़ और लंबी कूद, बांस कूद आदि में मापा जाता है, इससे अधिक के दौड़े में नहीं मापा जाता है। तो 100-200 मीटर दौड़ के लिए जो है हवा का वेग 10 सेकेंड तक मापा जाता है, और लंबी कूद और बांस कूद में हवा का वेग जो है, लंबी कूद और तिहरी कूद में, बांस कूद नहीं, 100-200 मीटर में दौड़ में हवा का वेग 10 सेकेंड तक मापा जाता है,
और लंबी कूद और ट्रिपल जंप में हवा का वेग 5 सेकेंड में मापा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जंप करने में कम समय लगता है, इसलिए इसको 5 सेकेंड याद रखिएगा। और जो 100 मीटर बाधा दौड़ और 110 मीटर बाधा दौड़ है, उसमें हवा का वेग 13 सेकेंड में मापा जाता है, क्योंकि बाधा यानी कुछ ज्यादा समय लगेगा बाधा पड़ने के कारण, तो 13 सेकेंड। ठीक है, आपको याद रखना है 100-200 मीटर दौड़ में 10 सेकेंड तक हवा का वेग मापा जाता है, 100 मीटर 110 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकेंड तक हवा का वेग मापा जाता है, और लंबी कूद और तिहरी कूद यानी ट्रिपल जंप में 5 सेकेंड तक हवा का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खेल है चौगान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल का संबंध थॉमस कप से है? तो दोस्तों, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, थॉमस कप, उबेर कप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। थॉमस कप जो है आपका पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है कि महिला से संबंधित है, ये बार बार आपको पूछा जाता है। जो थॉमस कप है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, किससे? थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, जो 1948 से खेला जाता है, और उबेर कप जो है वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है, जो 1957 से खेला जाता है। तो इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 2022 को भारत किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया के हराकर। और 2022 का पुरुष जो थॉमस कप है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। वहीं पे 2022 में महिला की बैडमिंटन प्रतियोगिता में उबेर कप का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया जीता है, चीन को हराकर। अब पुरुष थॉमस कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, इंडोनेशिया को हराकर। अब पुरुष थॉमस कप, महिला उबेर कप दोनों का आयोजन हुआ था थाईलैंड में, तो पुरुष थॉमस कप का विजेता भारत है, इंडोनेशिया को हराकर। अब महिला उबेर कप का विजेता 2022 का है, दक्षिण कोरिया, चीन को हराकर। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष पहले माह जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू होता है? तो वह होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है शुरू? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कब? जनवरी माह में। कब शुरू होता है? जनवरी माह में। नेक्स्ट, जिस प्रकार बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उसी प्रकार टेनिस में कौन सी चैंपियनशिप है? तो वो है विंबलडन चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, खेलों में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व में आपका ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है, जो 1975 से शुरू हुआ और भारत में सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया। नेक्स्ट है, दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज की बॉल टप्पा पड़ने पर ऑफ स्टंप की बजाय अंदर की तरफ, मिडल स्टंप या लेग स्टंप की तरफ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गूगली कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस ओलंपिक में विजेताओं को मेडल यानी स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक नहीं दिए गए थे? तो यहाँ पे आपको 1900 पेरिस फ्रांस में नहीं दिया गया था, 1900 पेरिस फ्रांस में नहीं दिया गया था, क्योंकि उससे पहले शुरुआत ही नहीं हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक, स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक यानी पहली बार ओलंपिक में विजेताओं को मेडल यानी गोल्ड मेडल या स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक कब दिया गया? तो 1904 सेंट लुइस में दिया गया। 1904 के बाद लगातार दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 1900 में शुरू ही नहीं हुआ था, तो 1900 पेरिस फ्रांस आपका सही होगा। तो 1904 सेंट लुइस में सबसे पहले मेडल यानी गोल्ड, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देना प्रारंभ किया गया। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब दिया गया? तो 1912 स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट है, ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों, ओलंपिक का छल्ला इस तरह बना होता है, 1, 2, 1 सेकेंड आपको बना के दिखाती हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, ओलंपिक का छल्ला ऊपर 3 होता है,
किस तरीके से होता है। तो ओलंपिक के छल्लों में ऊपर की तरफ कितने छल्ले होते हैं दोस्तों? तो ऊपर की तरफ होते हैं 3 छल्ले। ऊपर की तरफ कितने छल्ले होते हैं? 3। और कितने रंग के होते हैं? नीला, पीला, काला, हरा, लाल। 5 रंग के होते हैं और पांचों रंग प्रत्येक महाद्वीप के प्रतीक हैं। तो जिसमें नीला है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है और लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। और ये पांचों रंग, पांचों महाद्वीप दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, फादर हेनरी डिडान किस देश के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ओलंपिक मोटो का डिजाइन किया। ओलंपिक मोटो है आपके सीटियस अल्टियस फोर्टियस। सीटियस अल्टियस फोर्टियस जिसका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रांगर। सीटियस यानी फास्टर यानी सबसे तेज, अल्टियस हायर यानी सबसे ऊंचा, फोर्टियस स्ट्रांगर यानी सबसे बलशाली। एक चौथा मोटो जुड़ गया है नया जो आपको ध्यान में रखना है, कम्युनेटर, यानी कि सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनेटर। कम्युनेटर का अर्थ होता है टूगेदर यानी एक साथ चलना। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो इसमें आपका ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार विषम है क्योंकि यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाने वाला है खेल क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में किस ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया? तो भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से नवाजा गया है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी को। तो ओलंपिक के उत्थान में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले, उसके क्रियाकलापों में, इसलिए ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनेक्स नामक बहुचर्चित कंपनी जो खेलों के उपकरण जैसे बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस उपकरण आदि बनाती है, उसका संबंध किस देश से है? तो उसका संबंध है जापान से। उसका संबंध किस देश से है दोस्तों? जापान से। ये पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी है जो खेलों के उपकरण को बनाती है, वो है योनेक्स कंपनी। वो कहाँ से है? जापान से। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे भारत के सर्वोच्च तीनों खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले हैं। वो है दोस्तों पुलेला गोपीचंद्र। सर्वश्रेष्ठ आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल दोनों के गुरु हैं, दोनों के कोच थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ओमेगा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ओमेगा नामक कंपनी का जो संबंध है वह है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट है, एडिडास कंपनी का संबंध किस देश से है? तो एडिडास कंपनी का जो संबंध है वह है जर्मनी से। एडिडास कहां की कंपनी है दोस्तों? जर्मनी की। नेक्स्ट है, भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है आपके 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड को। इसी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, वो भी हॉकी खेल में। तो क्योंकि पहली बार गोल्ड मेडल भी 1928 में पहली बार भाग भी लिया, पहली बार भारत ने गोल्ड भी जीता, इसीलिए भारत का गोल्डन ओलंपिक बोला जाता है 1928 एमस्टर्डम को। और इसमें हॉकी के जो कप्तान थे जयपाल सिंह थे, और भारत ने अभी तक में हॉकी में कुल 12 पदक जीते हैं जिसमें से 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक। 1928 से 1980 तक लगातार इन्होंने हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता जिसमें से आपके 8 स्वर्ण जीते हैं और 1960 में रजत पदक, 1968, 1972, 2020 में कांस्य पदक। इस प्रकार आपको पूछेगा कि भारत ने अब तक हॉकी में कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो 12 पदक, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य। अगर ये पूछेगा कि भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 8 स्वर्ण। तो अभी तक दोस्तों एक और बात है कि यदि ये पूछे कि अभी तक भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं सभी खेलों के मिलाकर के, तो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन गेम में? तो हॉकी में 8 स्वर्ण पदक, 1 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में जीता है, और 1 स्वर्ण पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है। इस प्रकार 10 स्वर्ण पदक भारत ने ओलंपिक में अभी तक में जीता है।
नेक्स्ट है उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कम तीव्रता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है। तो दोस्तों ज्यादा समय की क्रिया है जिसमें इंड्योरेंस होता है, सहनशीलता होता है, 2 मिनट से ज्यादा की जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें तीव्रता कम होता है यानी इंटेंसिटी कम होता है, आराम से किया जाता है और ऑक्सीजन के साथ किया जाता है, उसे कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। और जिसमें तीव्रता अधिक होती है और ऑक्सीजन के बिना किया जाता है वो होता है अनएरोबिक एक्सरसाइज, जो 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है बीएमआई क्या मापता है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, यह शरीर की वसा मापता है। नेक्स्ट है जोड़ की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबे प्रसार तक करने में सहायक होता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है ओसीओजी क्या है। तो दोस्तों ओसीओजी ओलंपिक का आयोजन करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट शरीर में निम्न में से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है। तो दोस्तों जबड़े की मांसपेशी जो है वो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है और इस जिसे मसेटर मसल्स बोला जाता है। और इसमें जो हेमस्ट्रिंग होता है दोस्तों, जो हेमस्ट्रिंग है वो पिछले जांघ की मसल्स हैं जो घुटने को मोड़ने में सहायक होती है। और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ये ऊपरी जांघ की मसल्स हैं जो हिप को फैलाने और हिप को मोड़ने और घुटने को फैलाने में मदद करती है। और शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी आपकी सार्टोरियस मसल्स है और शरीर की सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी मांसपेशी है आपकी ग्लूटियस मसल्स। नेक्स्ट है शरीर का सबसे मजबूत अस्थि कौन सा है। तो जांघ की फीमर हड्डी है। क्या है, जांघ की हड्डी फीमर है सबसे मजबूत हड्डी। और सबसे छोटी अस्थि हड्डी है कान की स्टेपस। नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चार्ल्स बूचर जी हैं। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा रोग साइकोमेटिक की श्रेणी में आता रखा गया है। साइकोमेटिक यानी मनोदैहिक। तो कौन सा रोग है जो साइकोमेटिक यानी मनोदैहिक के रूप में रखा गया है। तो वह रोग है अस्थमा, दमा, जिसे हिंदी में दमा कहते हैं। अस्थमा जो रोग है वह साइकोमेटिक यानी मनोदैहिक खेल में आता है। नेक्स्ट कम से कम कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल मैच को शुरू करने के लिए चाहिए होता है। तो 5 खिलाड़ी चाहिए होता है, प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कुल खिलाड़ी 12 होते हैं और खेलने वाले प्रत्येक टीम में होते हैं 5 खिलाड़ी। नेक्स्ट उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 1924 पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। बाद में यह खिलाड़ी हॉलीवुड में टार्जन के नाम से मशहूर हुआ। तो वो है दोस्तों जॉनी विस्मुलर, जो तैराकी है, जो इसके नाम पर मूवी बनी है। नेक्स्ट है फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है। तो फ्लोरेंस गिफ्ट जॉनर को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे शरीर को निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है, बीमारियों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है निम्न में से स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वस्थता का कारक नहीं है। तो दोस्तों स्वास्थ्य इसमें कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्पीड यानी चाल। यहाँ पे खुद आपको पता चल गया स्पीड जो है आपको मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस यानी कि स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सभी आते हैं मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में, जिसके बारे में मैंने फिजिकल ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में सभी चीजों को बताया है, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे एंड्योरेंस हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सभी चीजों को बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का कारक कौन नहीं है। तो इसमें स्पीड नहीं है, कौन नहीं है, स्पीड यानी चाल नहीं है, यह है किसमें, यह मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आता है। तो कारक कौन 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 है, मांस आपका मांसपेशी ताकत यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन और मांसपेशी सहनशीलता मस्कुलर एंड्योरेंस,
ये सभी आपके हैं स्वास्थ्य संबंधी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का मक्का किसे कहा जाता है दोस्तों, तो LNIPE ग्वालियर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको बोला जाता है शारीरिक शिक्षा का मक्का। 1957 में यह स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारी चल संधियों में किस प्रकार की कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज यानी कि जो उपास्थि होती है दोस्तों, तो उपास्थि जो है 3 प्रकार का होता है, इलास्टिक, फाइबर और हाइलाइन। ये भी कई बार पूछा गया है कि इलास्टिक कार्टिलेज यानी कि जो उपास्थि होती है कितने प्रकार की होती है, तो इलास्टिक, फाइबर, हाइलाइन 3 प्रकार की होती है, जिसमें चल संधियों में पाया जाता है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क और ख दोनों, यानी हाइलाइन और फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे हमारे पसलियां हो गया, इसके बीच इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट, हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है दोस्तों, तो सीरस नामक द्रव भरा रहता है। हृदय जो है 3 मांसपेशी परतों से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो सबसे पहला परत एपिकार्डियम होता है, तो उसको वो जो है एपिकार्डियम जो है पेरिकार्डियम नाम की 2 परतों से घिरा रहता है, जिसमें से बीच में सेरस नामक द्रव भरा रहता है। नेक्स्ट है NIS पटियाला, यानी नेताजी सुभाष जो पटियाला में इंस्टीट्यूट है, वो कितने दिन का विभिन्न खेलों का सर्टिफिकेट कोर्स कराता है, तो 1.5 महीने का। कितने दिन का, तो 1.5 महीने का। दोस्तों नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट जो है NIS की स्थापना 1907 मई 1961 में पटियाला में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विकेट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खींचता है दोस्तों, यह न्यूटन के दूसरे नियम के कारण खींचता है। न्यूटन के दूसरे नियम को कहते हैं संवेग का नियम, त्वरण का नियम, प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम और तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जिस दिशा में उसका वेग होता है बॉल का, उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है, तो वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहा जाता है। और यह दूसरे नियम के अंतर्गत आएगा कि कैच लेते समय जब खिलाड़ी अपने जो दोनों हाथों को नीचे की तरफ बॉल कैच करने के बाद नीचे की तरफ जाता है, हमेशा आप देखते होंगे, किस नियम के कारण होता है, न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। नेक्स्ट है एक लंबी रेस के धावक में निम्न में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है, तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है 1 ग्राम में, तो वसा देता है। सबसे जल्दी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा देता है, कितना कैलोरी, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी ऊर्जा देता है, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी ऊर्जा देता है, तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। देता है मात्रे में वसा, बट वसा को पचने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। वो भी एथलीट हो गया, ज्यादा समय की क्रिया, एंड्योरेंस की क्रिया हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रयोग होता है। जो बॉडी बिल्डर है उनके लिए प्रोटीन सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट में निलय द्वारा आए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, तो दोस्तों 1 मिनट में बाएं निलय द्वारा जितने रक्त की मात्रा को महाधमनी की तरफ यानी शरीर की तरफ भेजा जाता है, उस मात्रा को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को जानने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक धड़कन में हृदय के द्वारा जितना रक्त शरीर के तरफ यानी कि महाधमनी के तरफ भेजा जाता है, उस रक्त की मात्रा को कहते हैं कार्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। वो होता है कम से कम आपका 70 ml। और जो हार्ट रेट होता है 1 मिनट में 72
बार होता है। तो इस प्रकार आपका कार्डियक आउटपुट सूत्र, कार्डियक आउटपुट को याद करने का सूत्र है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया दोस्तों 70 एंड हार्ट रेट कितना हो गया 72, बराबर हो जाएगा 5.01, यानी कि 5 लीटर जो है कार्डियक आउटपुट होता है एक मिनट में, कम से कम 5 लीटर के बराबर आपका रक्त को पंप किया जाता है हृदय के द्वारा, उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिक सक्रिय कारक कौन सा है जिसके कारण खिलाड़ी को चोट लगती है। तो दोस्तों सबसे सक्रिय कारक इसमें है खेलों के नियमों का पालन न करना। तो दोस्तों ये था आपके 50 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके सफल होना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।